इस साल की शुरुआत से ही लचर कानून व्यवस्था राज्य की गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। लाख कोशिशों के बावजूद अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लचर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हाल ही में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ले चुके हैं, तो वहीं राज्य सरकार विपक्ष के हमलों के बाद अब ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सर्जरी की तैयारियों में जुट गई है। सरकार में उच्च स्तर पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों की तबादला सूची पर मंथन चल रहा है। आईपीएस अफसरों की तबादला सूची के जरिए सरकार नौकरशाहों को भी कड़ा संदेश देना चाहती है कि अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। दरअसल हाल ही में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लचर कानून व्यवस्था को लेकर गृह विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की थी, पुलिस अधीक्षकों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। सरकार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों की माने तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों की तबादला सूची पर मंथन लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही तबादला सूची जारी हो सकती है। इसमें पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की थी, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस बार की कवायद में आधा दर्जन पुलिस अधीक्षक बदले जाने की चर्चा है। चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अपराध भी प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब एक बार फिर से तैयारी हो रही है ब्यूरोक्रेसी में बदलाव को लेकर, यानी कि तबादले किए जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी 16 आईपीएस जिनके तबादले किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर है, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली थी और साफ नाराजगी जाहिर की थी कि जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत होनी चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर मुस्तैदी के साथ काम होना चाहिए, लेकिन जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर सीएम ने साफ ही संकेत भी दिए थे कि एक बार फिर से जो ब्यूरोक्रेसी, खासतौर पर जो आईपीएस अफसरों की तबादला सूची है उस पर मंथन किया जाए और कुछ चेहरे हैं वो बदले जाए, जो नॉन फील्ड अधिकारी हैं उनको बाहर रखा जाए, और जो जिन जिलों के अंदर खासतौर पर जो जहाँ पर मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे अपराध के मामले, उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हटाकर उनकी जगह कोई दूसरे चेहरे जो है वो सामने ले जाए, उसी को लेकर मंथन चल रहा है। और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो आईपीएस अधिकारी हैं उनकी सूची पर मंथन हो रहा है, और माना जा रहा है कि जल्दी इसी महीने में सूची जो है वो सामने आ सकती है। जी, अच्छा, एक बेहद गंभीर विषय ये भी है कि खुद जो गृह मंत्री का जिम्मा है वो मुख्यमंत्री के पास ही है, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है लगातार मुख्यमंत्री पर, इस वजह से भी मुख्यमंत्री जो है इसे लेकर बहुत गंभीरता दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, इसको लेकर सरकार भी जो है चिंतित है, और साथ ही जो प्रदेश कांग्रेस जो कि संगठन है वो भी चिंतित है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्री हैं, और उस नाते अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो सीधे सीधे जो विपक्ष है वो मुख्यमंत्री पर जो है अटैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए परेशानी यह है कि क्योंकि पार्टी के पास में कोई पूर्णकालिक यानी जो कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है, ऐसे में तमाम जो काम है वो मुख्यमंत्री को देखने होते हैं, तो लिहाजा सबसे बड़ी परेशानी भी यही है। और जिस तरह से भी एनसीआरबी के आंकड़े जारी हुए हैं उसमें भी महिला अत्याचार के और बलात्कार के मामलों में जिस तरह से मामले बढ़े हैं प्रदेश में, नंबर वन आया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर है, और माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से जो कानून व्यवस्था खराब चल रही है ये एक बड़ा मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव में भी बन सकता है। जी बिल्कुल, और फिर उस ऐसे में अगर इस तरह से मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता दिखाते हैं और आईपीएस के तबादले लगातार किए जाएंगे, तो जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि प्रदेश में जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उन्हें लेकर गंभीरता बढ़ती जाए। बिल्कुल, देखिए पूनम, क्योंकि भी हाल ही में जो गृह विभाग की बैठक हुई थी उसमें खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो जल्द ही जिला पुलिस जो अधीक्षक है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे, फीडबैक लेंगे, और जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि उनका नहीं यानी कि उन पर गाज गिरेगी। खुद मुख्यमंत्री इसके संकेत जो है वो दे चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो संगठित अपराध है उनके खिलाफ सख्त जो है एक्शन होने चाहिए, जो अवैध हथियार से जुड़े मामले हैं उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, तो सख्त निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन बावजूद जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हो पा रही। चलिए बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।